जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी तमाम दोस्त? अब उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे जी, ठीक ठाक होंगे अल्लाह तमाम दोस्तों पर अपना रहमत करम फरमाए। मैं इससे मौजूद हूँ उस्ताद अतर साहब के पास और उनसे कुछ छोटे से सवालात लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो उस्ताद साहब से आज पहली मुलाकात है और इंशाल्लाह ताला आपको सवालात का मज़ा भी आएगा और जो बातें इंशाल्लाह उनसे होंगी इंशाल्लाह आपकी सीख में इजाफा करेंगी। तो जी साथ मोहतरम, कैसी है तबीयत? से ठीक ठाक हो? खैरियत नाल हो जी? तमाम दोस्तों की तरफों जी सलाम पेश कर रहे हैं सब तो पहले से। साथ मोहतरम, मैं चंद एक सवालात करांगा ज़्यादा नहीं, क्योंकि बगैर पूछे दसे असी गैदरिंग थोड़ी डिस्टर्ब कर दी थी। तो साथ मोहतरम चंद एक सवालात है कि सब तो पहले दया कि वह सवालात, एक सीनियर उस्ताद बड़ी अच्छी गेम कर रहे हो और फील्ड मौजूद हो, तो ये इस दफा जी गर्मी की शिद्दत इख्तियार की मौसम ने और उस गर्मी तो बाद उन्नीस वज का मौसम, तो सर जी जी गर्मी पै गई है उस तो बाद कबूतर रूटीन जी उन्नीस वजे डिस्टर्ब होएगी या नहीं, या किस तरह का मौसम रहेगा तुहाडे ख्यालात के मुताबिक? दोस्तों मौसम क्योंकि गर्मी कबूतर देख ली है जी, क्योंकि मीडिया आम है जी जी, मौसम आप वाले दस रहे हैं कि 25-30 के दरमियान टेम्परेचर चलेगा। ठीक है, 25-30 के जो कबूतर 43-44 देख आए हैं, 10-11 बजे जाने रहे होगी क्योंकि शाम तक जाएंगे। ठीक है, तो सर जी बारिशा भी इस दफा जो अपना किरदार पूरा अदा कर रही हैं, तो मौसम तुहाडे हिसाब नाल कबूतरां नूं कोई परेशानी का बायस नहीं बनेगा परवाज़ों के? असल तो वैसे भी अक्सर हो जाता है कि हाँ जो इन्होंने दिन क्योंकि सारों महीने तो बेशतर दफा हवावान अंधेरियां बदल जी जी कबूतर सारे भी जाते हैं, सारे ऑलरेडी कबूतर फरवरा में कबूतर है भी थोड़े, बहुत थोड़े कबूतर हैं, बिल्कुल नहीं, सिलेक्शन बहुत कम रह गई लोगों को, यही वजह है कि असल में बड़े घट लोग। ठीक है, यानी कि ज्यादा हुन अगे ही उड़न के सीजन चेत्र वसाख वाली साइड से ज्यादा रुक रहे हैं क्योंकि लोगों को कुत्ते खाली हो गए हैं, कबूतर खत्म हो गए। ठीक है, क्योंकि इस साल मार्च च 40 तक टेम्परेचर नहीं अपनी जिंदगी में देखा, तो मार्च में 40 तक टेम्परेचर गया इसलिए बड़े कबूतर मिस हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक दो चीज़ा कबूतरबाजी की असी डिस्कस कर लेने नाल ही, क्योंकि ज्यादा लोग पसंद करते हैं। सर जी शदीद गर्मी के तुहाडे कोल किहड़ी नस्ल के कबूतर ने ज्यादा परफॉर्मेंस की है? सर वजह भलागी है कि जिस तरह के असं रखे होंगे उस तरह के उड़ने। ठीक है, अगर मैं डैडी रखे ने तो डैडी ज्यादा उड़ने। ठीक है जी, अगर जिस वक्त अगर मैं सियालकोटी ज्यादा रखे होंगे तो मैं सियालकोटी भी उड़ना। अच्छे कबूतर उड़ते हैं हर मैदान च, उड़ते हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, अजकल नवी कबूतरबाजी को लैके अगर असं थोड़े को सवालात करिए, भी बड़े अहम ने कि अजकल एक ट्रेंड सैट कर दिया गया कबूतरबाजी के कि उस्तादा की खिदमत शागिर्द घट कर रहे हैं, मेडिसिन से ज़्यादा तवज्जा कर रहे हैं, उन्होंने कबूतरबाजी दिन ब दिन अगे जाने तो बजाय बैक आ रही, इन कि गुजारे ख्याल करना चाहोगे इस चीज़ों मतलब क्या भी जरूरी ने? जरूरी ने कि शागिर्दी कसूरवार ने, उस्ताद भी कसूरवार ने। अगर कोई भी शागिर्द उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार करता ना जी, दो वजूहत होंगे। ठीक है, या उस्ताद को अच्छे कबूतर हो। ठीक है, जी जी, तो चाहता कि मैं शागिर्द होकर मम्मी परिंदे आ सकता जी जी, मेरे को भी अच्छे हो। ठीक है, दूसरी वजह होंगी है कि केमिकल या नुस्खेबाजी इस तरह की होंगी है। ठीक है, जो भी वो सीखना चाहता है बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। उस्ताद बेहतर उस्ताद कहते अभी उम्र गुजारी है, मेरा तो ख्याल है अगर शागिर्द को सही गाइडलाइन दी जाए, अगर सही नुस्खेबाजी दसी जाए, जो उड़ावे तो रिजल्ट अच्छा आए, तो मैं उम्मीद है कि पहले तो ज्यादा इज्जत उस्ताद ही करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हाथ से हुनर आ जाएगा उस्ताद को ज्यादा बेहतर तो बेहतर लगेगा। कोई शागिर्द जल्दी ना ना हो, थोड़ा ही सोच विचार के और वक्त लैके शौक हो, एक तो सीजन उड़ते कबूतर देख के शागिर्द ना शागिर्द ना हो, मैं क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ी गल, कोई सीजन गुजारे वे अगर वाकई रिजल्ट अच्छा है तो फिर जरूर शागिर्द उनकी मिलनसार अच्छा है, उनकी तरतीब अच्छी है, उनकी समझ आती है, शागिर्द हुंदा बैठे। बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी गल, बड़ी अच्छी गल। तो उस्ताद मोहतरम अपना अजकल के कुछ थोड़े जो वायरस वगैरह ने उन्होंने बारे छोटी जी डिस्कस लाजमी मैं समझ ना अपने सैगमेंट के, अजकल अखा का वायरस बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया हर खुडे के,
ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਰ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਣਾ ਵੀ ਅਹਿਤਿਆਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕੀਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਆਵੇ ਐਨਰੋਸਿਮ ਜਾਂ ਐਨਰੋਸੋਲੈਸ ਪਾ ਐਨਰੋਸੋਲੈਸ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰੀਚ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਕਸਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰੀਚ ਸਾਫ ਕਰ ਜਾਣ ਔਰ ਪਰਵਾਹ ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਪਿਛਲਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਓਪਨ ਰੱਖਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਸ ਹਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਫਟਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਕ ਐਸਿਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।